चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है प्रार्थना का। हम सब अपने हाथों को उठाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओली प्रान जान थती शोहरा बा सहंगा दी सो ले ब्रदोन जान दली जाल दी जान दली जाल दी शोकर तो शाल हा ले ब्रदो जान दले ले ब्रदो ला ब्रदे ले ब्रदो ला ब्रदे ले हे हे हा लान दिन दरबो शान दला हा साखते हे हमारा पहला प्रार्थना बिंदु है भजन संहिता इसका दूसरा अध्याय वचन 8 TLB से कहता है, केवल मांगो और मैं तुम्हें दुनिया के सभी राष्ट्रों को दूंगा। हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे आत्माओं के उद्धार के लिए और दुनिया के सभी देशों में शांति के लिए। हालेलुया, कीजिए प्रार्थना। ली ब्रोनो मा शांदा ली जहा लखान जो दुरबो शांदा लदा ली ब्रदो नाना मा जांदा लदा ले वरबो जांदा लदा लबा सांदा लदा लदा ला सांदा लदा लदा ले ब्रदो ना मांदा लदा शांदा ले रे जो खतो रबा सहांदा ले ब्रदो मांदा लांदा लबा 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 शांदा लहा सही किते ओ रामा ना मा शांदा लबा 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 बांदला बरा 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 बंदा लेमो नो मा शांदला ना 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 गा दा लगा ना गा लगा दा लगा दा लगा ना गा लगा दा लगा दा लगा दा गा दा गा दा गा दा गा दा लेमो नो मो शांदला ना ना मा लगा दा लगा दा लगा दा लगा दा ले दगले 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 मना शांता लेमो नो मो शांदला दा ले दा लगा ना मा ना गा दा ना गा दा लगा मना दा गा लगा मना दा गा लगा मना दा गा लगा मना आई ची शोको ले मना ने दी दी ली बी बी जानला बरा बांदला बरा दा सांदली जी दो बो शाला दा Libro do nama sandali sing do janda la da da la da Libro do la banda la da shanda la da le 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 Libro do mo janda li za la ga di da ga le da le re ga da ga le re ga da ga le re ga da ga le Libro do man za ga di le ga da ga le re 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 ga da ga le Likana nama shanta nama sun turbo shanda laba Libro do ba shanda li zanda laba shanda la da labo shanda laba Libro no mo janda la da li za la di za la gri za ga la di za ga da ga li 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 za ga da Limo no man jale bo rabo jana ma nama jide di bo labo rabanda la baraba se de de Leno mo no mo janda la baraba na le bede de bo nda la ba da la ba da la ba shanda la de shurubo Shandala de Shinder do Sahade Labour do Ladanagal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 
दले जहान दले दे लान दला नानमा सांगा दी शेख थी सहारा दा लोबो दो लोबान दला दले बोरो बला दरी दला बरा गले दले गले गले बो रागला गला बाले गले बोल बो ले मना मा खान दला दले बेरे बेरे बो ले बेरे बेरे बो ले बेरे ले 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 बो ले बेरे बो ले बेरे बो ले बेरे बो ले बेरे ले बो ले बेरे ले बो ले बेरे 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 बो ले ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बाय बाय फ्रेंड्स गॉड ब्लेस यू ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का हुरे तो क्या शुरू करें चलता मैं विश्वास से ना कि से चलता मैं विश्वास से ना कि देह से मैं भरा विश्वास से सब कुछ है संभव मैं जीता विजय में सब कुछ मेरा है से ना कि देह से चलता मैं विश्वास से ना कि
चीजों का विश्वास है, जानना कि कुछ है सच भले हमें वो न दिखे। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, ये समय है वास्तविक प्रसंग का। आज का संदेश है बीज बोने का समय और फसल। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने के समय और फसल, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। उत्पत्ति 8:22। बीज बोने का समय, बीजों को बोने के लिए अलग किया गया समय है, जबकि कटनी अनाज को इकट्ठा करने का समय है। इसीलिए यदि एक किसान अत्यधिक अनाज चाहता है तो उसे बीज के समय बीजों को बोना पड़ेगा। यह परमेश्वर के राज्य में भी लागू होता है। आपका बीज समय वह अवसर है जब आपको एक बीज बोना है। यह दयालुता का एक कार्य यह कलिसिया में एक भेंट देना हो सकता है। जब ऐसे अवसर मिलते हैं तब उनका लाभ लो और बीज बो। जैसे ही आप बोते हैं तब आपके फसल की गारंटी है और जो आपने बोया है यह उसकी एक बहुतायत फसल होगी। हालेलुया। वचन अध्ययन सब उपदेशक 11:6। अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते मैं बुद्धिमान और आत्मिक रूप से चालाक हूँ, इसीलिए मैं सही समय पर बीजों को बोता हूँ और मैंने जो बोया है उसकी बहुतायत फसल ग्रहण करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। ये समय घोषणा का है। मेरे पीछे इस घोषणा को बोलिए। समझने सर्वश्रेष्ठ बनने और अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए मुझ में परमेश्वर की योग्यता काम कर रही है। Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨ,
ਹਾਈ ਫਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਵੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਵਚਨ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲੋਰਡ। ਅਤੇ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਚਕ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਚੀ ਯਾਚਕ ਹੋ? ਕਿ ਯਾਚਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਾਜਾ। ਅਤੇ ਯਾਚਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੇ ਯਾਚਕ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਦੇ ਯਾਚਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਯਾਚਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਜਾਂ ਯਾਚਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯੇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਚਕ ਯਾਚਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਸਭ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਯਾਚਕ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਯਾਚਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਯਾਚਕ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲੋਰਡ। ਸਭੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਕ ਉਹਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਦਿਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲੋਰਡ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਸਮਰੱਥ ਆ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ? ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਯਾਚਕ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਯਾਚਕ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰੱਥੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਸਲਾਹ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਯਾਚਕ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ। ਪੌਲਸ ਦੇ ਤਿਮੁਥਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਵਰਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਯਾਚਕ ਹਨ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਸਮਰੱਥ ਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਚਕ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਮੁਥਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ, ਵਚਨ ਤਲਵਾਰ ਆ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲੋਰਡ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ, ਪਰਿਵਾਰ, ਘਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
सानू तलवार की लोड़ नहीं है। साड़ी जीभ जो असी बोलते हैं वह की आ, और साडे शब्द की हैं सामर्थ्य ने, इसलिए सानू चुप नहीं रहना है। असी बोलना है कि परमेश्वर के वचन असी बोलना है। हर रोज़ तुम की करते हो, अपना समय कढ़ो तो प्रार्थना करो कि जिते तुम रहने तुहाडा स्कूल, तुहाडा परिवार, तुहाडे दोस्त, तुहाडे देश विच जो अधिकार दे स्थाना ते आ, उन्होंने असी की करते हाँ, मध्यस्थता करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना के समय असी की करते हाँ, असी घोषणावां करते कि असी सुरक्षा नूं बोलदे, असी शांति नूं बोल, असी आनंद नूं बोलदे, भरपूरी नूं बोलदे आ, समृद्धि नूं बोलदे, उन्नति नूं बोलदे आ। हालेलुया। ते असी हर रोज़ करदे आ। ते ज़्यादा जे तुहानूं पता आ कि कोई परेशानी आ, ते उस परेशानी नूं ध्यान विच रखदे होए तुसी प्रार्थना करदे हो, तुसी घोषणावां करदे आ। जे लोकी बीमार आ, तुसी उहनां दी चंगाई दी घोषणा करदे आ। हालेलुया। कि वह पूरी तरह नाल चंगाई चा जा। प्रेज द लॉर्ड। ते हर रोज़ इनू करना, प्रेज द लॉर्ड। यह एक चंगाई की सेवकाई है जिदे विच परमेश्वर ने सानू बुलाया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ते जिदा मैं तुहानू कहा, जदों असी बोलनी हो प्रार्थना दे विच चीज़ां प्रार्थना च बदल जांदियां। असी साधारण नहीं हाँ, असी की हाँ, असी राजसी याजक हाँ। हालेलुया। एक राजे दे वांगू साढ़े शब्दों के विच की आ सामर्था, ते असी एक याजक दे वांगू की करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दूजियां दे लिए प्रार्थना करते हाँ। प्रेज द लॉर्ड। ते समझ जाओ तुसी किन्ने महान आ, किन्ने महत्वपूर्ण आ। प्रेज द लॉर्ड। ते उत्साहित हो जाओ। ते हर रोज़ तुसी समय कढ़ो, अपने परिवार के नाल तुसी प्रार्थना कर सकते हो, अपने दोस्तों के नाल तुसी प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। ते हर रोज़ की करो, परमेश्वर दे वचन नूं बोलो। हालेलुया। घोषणावां करो, ते तुसी देखोगे तुहाडे आले दुआले चीज़ां नूं बदलदे होए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ते आपां शिकार आपां वो नहीं हाँ जो परेशानी नूं देख के सोचते हैं कि असी की करिए। सानूं पता है कि असी कौन आ, असी राजसी याजक, असी वो हाँ जिन्हों परमेश्वर ने की दिता है, आत्मिक हथियार दिते हैं। तो वो कि हथियार, साड़ी जीभ जो असी बोलते हाँ। हालेलुया। सानू बोलना है, सानू चुप नहीं रहना है, असी समाधान देने वाले हाँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ते जाओ सारिया नू दसो असी समाधान देने वाले हाँ, असी सानू परमेश्वर ने आत्मिक हथियार दिते हैं। तो आप सानू किते जाने की लोड़ नहीं है, सानू सीधे साडे स्कूल विच जाने की भी लोड़ नहीं है। असी उत्थे जा के बैठ के प्रार्थना दे नाल उस विश्व च आप बदल सकते हैं। हालेलुया। ये किन्नी अद्भुत गल आ। प्रेज द लॉर्ड। ते मैंने विश्वास है कि तुसी उत्साहित होवोगे, ते जिद्दां मैं तुहानू दस्सिया है उदा ही जरूर करो। ते तुसी सानू दस सकते हो कि तुसी अपने प्रार्थना दे नाल की बदलिया आ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲੋਰਡ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ ਐਂਡ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲੋਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਆਪ ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, और आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपने दोस्त की तरह ग्रहण नहीं किया है, तो ये समय है जहाँ पर आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु बना सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। याद रखिए, मेरे पीछे इस प्रार्थना को अपने मुंह से कहना ज़रूरी है और अपने हृदय से विश्वास करना भी ज़रूरी है। तो खड़े हो सकते हैं, हाथों को स्वर की ओर उठाकर, आँखों को बंद कर मेरे पीछे कहिए। प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह
जीवित है। मैं यीशु मसीह को बुलाती हूँ अपने जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गई हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करती हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो बधाई हो और परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। चलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर उस व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए, जिन्होंने अपना जीवन आज आपको दिया है प्रभु। हम कहते हैं अंधकार और शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु इनका इनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। मैं आशीष देती हूँ आपके आत्मा, आपके वचन के द्वारा। हाँ प्रभु, वचन की गहरी समझ इनके अंदर है, ये सुरक्षित हैं, दैवीय स्वास्थ्य इनका है प्रभु। धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, ये समय है जहाँ पर हम अपने भेंट परमेश्वर को दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। आप अपने मम्मी पापा से बात कर बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी अपना भेंट दे सकते हैं। अगर आप किसी सेंटर से हमें देख रहे हैं तो आप सेंटर में अपना भेंट दे सकते हैं। हालेलुया। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। धन्यवाद ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा शुद्ध और पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि जैसे ही हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। हाँ, हमारे पैसों का मूल्य है प्रभु। इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरतों को तेजी के साथ पूरा करने के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत मजा आया और कितना कुछ आज हमने सीखा है। जो भी हमने सीखा है जाइए सबको बताइए, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और ये समय है जहाँ पर हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे परमेश्वर के प्रेम, भलाई, कृपा, वचन के लिए, है ना। तो जहाँ पर भी आप हैं खड़े हो सकते हैं, हाथों को स्वर की ओर उठाकर, आंखों को बंद कर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद परमेश्वर आपके प्रेम, आपकी दया, कृपा, वचन, आपके आत्मा के लिए, आपकी भलाई के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर व्यक्ति, हर बच्चे के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु। मैं कहती हूँ आपका वचन इनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है, वचन की गहरी समझ इनके अंदर आ रही है, ये आशीषित हैं। हाँ प्रभु, इनका जीवन आपके आनंद से भरा हुआ है। हालेलुया। आनंद और शांति इनके है। आनंद और शांति को बोलती हूँ प्रभु। इनके पास एक तेज दिमाग है और ये हर प्रकार की बुराई से, दुष्टता से, हाँ, हमेशा बचे हुए हैं प्रभु। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। देवी और स्वास्थ्य इनका है। धन्यवाद परमेश्वर। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। मेरे साथ कह सकते हैं, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे। यीशु मसीह के नाम में आमेन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती है। जैसे ही मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी, यीशु मसीह के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। परमेश्वर आपको आशीष दे, हालेलुया। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय।
और मैंने आपसे कहा था कि हमारा विशेष रीच आउट वर्ल्ड डे होगा। ये सुनिश्चित करो कि आप उसकी योजना बना रहे हैं। ये कुछ महीनों के बाद है, परंतु इतनी विशाल चीज की प्लानिंग करने के लिए लंबा समय लगता है। हम वास्तविकता संग्रह को लेकर जा रहे हैं पूरे विश्व में, वास्तविकता संग्रह को हर जगह, हर देश में, हर शहर में, हर गांव में, सारी बस्तियों में, ट्रेन में, बसेस में, स्कूलों में, हाईवेज पे और बाड़ों में हम परमेश्वर के वचन को हर एक के लिए उपलब्ध करना चाहते हैं, और हम इन्हें दे रहे हैं उनकी भाषा में, वो भाषा जो वो अच्छे से समझते हैं। तो उसकी योजना बनाइए और उसका एक भाग बनिए। इसे समझिए, हम अरबों कॉपीज की बात कर रहे हैं पूरे विश्व में। तो बड़ी योजना बनाइए जितनी आप बना सकते हैं, यही मैं आपसे कहूंगा। इतना बड़ा करिए जितना आप बड़ा कर सकते हैं। कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, कितनी कॉपीज, ये आपके ऊपर है। आप चुनिए कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर करने वाले हैं। और ये सुनिश्चित है कि हम पूरे विश्व में अरबों कॉपीज ले जा रहे हैं। हम 10 अरब से ज्यादा कॉपीज को देख रहे हैं। हमारे पास बच्चों के लिए है, हमारे पास टीनेजर्स के लिए है, हमारे पास वयस्कों के लिए है, और हमारे पास ब्रेल वर्जन्स में भी है। ये बहुत ही विशाल होने वाला है। इसमें से आधी कॉपीज हम प्रिंट करने वाले हैं और आधी कॉपीज डिजिटल फॉर्मेट्स में होगी। पर आप जानते हैं कि डिजिटल फॉर्मेट्स हमेशा इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर वो प्रिंट कॉपी है जिसमें ज्यादा समय लगता है। यही कारण है कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। सुनिश्चित करो कि आप प्रिंट कॉपी में निवेश कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है सुसमाचार प्रचार के लिए, बहुत जरूरी। तो चलिए इसे करते हैं, चलिए इसे करते हैं परमेश्वर के लिए। तो वो 4 महत्वपूर्ण एक्शंस है जो आप आज और हर रोज करते हैं उस महान और महिमामय दिन तक। पहला है, हर रोज प्रार्थना करिए। जुड़िए हमारे साथ 1 बिलियन मिनट्स प्रेयर मार्च में, और यहाँ पर जुड़ने के लिए आप जा सकते हैं 1 बिलियन मिनट्स.org और हर रोज 15 मिनट प्रार्थना करिए। अपने हर मिनट को विश्व के देशों के लिए और आत्माओं के लिए जोड़ दीजिए। दूसरा, वास्तविकता संग्रह कॉपीज को सारी भाषाओं में और सारी कैटेगरीज में आप स्पॉन्सर करिए भाषा को, स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को और रीच आउट वर्ल्ड डे को। तीसरा है, जुड़ जाओ रीच आउट वर्ल्ड डे की महान वर्कफोर्स का एक सक्रिय भाग बन जाइए। वास्तविकता संग्रह को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक मिशनरी बन जाइए और बहुत सारी सेवाओं में आज ही जुड़ जाइए। चौथा है, जोड़ो। जैसे आप जुड़े हैं, आप अपने मित्रों को, परिवारों को, सहकर्मियों को, संस्थानों को हमारे साथ पार्टनर बनने के लिए जोड़ देते हैं, ताकि हम वास्तविकता को पूरे विश्व में ले जाए। ये है वास्तविकता संग्रह को पृथ्वी के छोर तक ले जाना। रीच आउट वर्ल्ड की और अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या विजिट करें www.reachoutworld.org।